जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से ही जाहिर है, मल्टीप्लाई इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में गुना करना है, तेजी से गुना करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है यह ऋषि मुनियों का देश है और इसमें वैदिक गणित काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे ऐसे टेक्निक्स हमारे वेदों में दिए हुए हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कि उनसे गणनाएँ करना यानी कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है। उन चीज़ों को हम लोग भूल चुके हैं, उसको मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से यह चीज़ हो जाता है। और ये गणनाएँ, अब जैसे सिंपल सा एक टेक्निक देखिए, अगर आपको पहरा याद है तो आप तो कर लेंगे ना, 12 में 2 से गुना करना है 24 आएगा, 11 में 5 से करना है 55 आएगा, ठीक है। बहुत देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये तो हमको जो छोटा बच्चा होता है उसको भी 1 से लेकर 20 तक का पहरा याद कराया जाता है, 1 से 20 तक का टेबल याद कराया जाता है। लेकिन जब यही गणनाएं बड़ी बड़ी गणनाएं होने लगती हैं, 12 में 11 से गुना करना हो, अब क्या करेंगे, पहरा याद होगा तो 11 दूना 22, 2 हासिल हो गया, 11 एकम 11, 11 2 13, अच्छा 132 हो गया। चलो भाई ये भी आसान था, ये भी हमने कर लिया। लेकिन इसके आगे अगर हम करते हैं 13 में 12 से करते हैं, अभी मैं छोटे छोटे ही ले रहा हूँ, फिर 12 का अगर टेबल आपको याद है तो आसानी से हो जाएगा, 12 3 36 का 6, हाथ में 3 12 1 12 12 3 15, अच्छा चलो ये भी हो गया। लेकिन जब यही गणनाएं जैसा कि कैलकुलेशन में दिया हुआ है 25 में करना है हमको 27 से, फिर कैसे करें, ये गणनाएं जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएंगी। मैं आज बात करने वाला हूँ सिर्फ 2 अंकों वाले गुना के बारे में, 2 अंक से 2 अंक में गुना करने वालों के टेक्निक के बारे में। इससे हम लोग सीख पाएंगे कितनी आसानी से यह टेक्निक हो जाती है। इसके लिए बेसिकली हम लोग को 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक शॉट में ही ये वीडियो कम्प्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक ही शॉट में ख़त्म कर देना है। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स से बहुत से लोगों ने इस चीज़ को सीखा और वे ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए। उनको एक बड़ा से बड़ा एक डिजिट दे दिया जाता है और वे लोग उसको गणनाएँ कर देते हैं। हम लोग भी इस चीज़ को सीख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक शुरुआत की है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी भी लगेंगी। अब जैसे मान लीजिए 15 में गुना करना है 17 से, इसको हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ये आपस में गुना हो जाएगा, ये आपस में गुना हो जाएगा, 7 5 35 5, हासिल 3, यहीं पे लिख देता हूँ हासिल 3, ठीक है। फिर अगले स्टेप में, अगले स्टेप में देखते हैं 15 17, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 गुना होगा 1 से और ये 1 गुना होगा 5 से, 7 एकम 7 और 1 गुना 5 5, कितना हो गया जी 12, कितना हो गया 12, 12 और हासिल 3 15, ठीक है 15। और फिर अगले स्टेप में देखते हैं, अब ये गुना करना है इधर से, 1 गुना 1 1 हो जाता है। इन तीनों को मर्ज करके दिखाता हूं कैसे क्या बनेगा। आपने सब कुछ कर लिया, देखो 15 में हमको क्या किससे गुना करना है, 17 से गुना करना है, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, हासिल 3 हो गया, 7 एकम 7 और 1 गुना 5, 7 5 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1 और 1 गुना 1 1 ही होता है और 1 में 1 से 1 जोड़ेंगे तो 255। आसान है ना, 3 स्टेप में हम लोग को आगे बढ़ना है और इससे आसानी से हो जाएगा। एक और सवाल इस पे देखते हैं, फिर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए,
बहुत ही बेसिक है, 18 में 17 से गुना करना है, 7 8 56, हासिल 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 1 8, 8 7 15, 15 5, 20 का 0 हाथ में 2, 1 गुना 1 1 और 1 2 3, 306। एक और देखते हैं, 26 में करते हैं 27 से गुना, 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 7 2 14 और 2 6 12। अच्छा ये चीजें जब होती हैं 7 2 14 और 2 6 12, अब इसको जोड़ना है। देखिए स्टूडेंट कैसे जोड़ते हैं हम लोग, कभी भी डायरेक्ट 14 में 12 मत जोड़ने की कोशिश कीजिए, 14 में पहले 10 जोड़िए, 14 10 24, 24 में 2 जोड़ दीजिए 26 आ जाएगा, आसानी से आ गया ना 26। इससे ना आपको फिर कहीं कॉपी पे रफ पेज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 14 में 10 जोड़ दिया फिर 2 जोड़ दिया, 12 जोड़ना है तो पहले 10 फिर 2, 14 जोड़ना है पहले 10 फिर 4, 15 जोड़ना है पहले 10 फिर 5, ठीक है इस तरीके से करेंगे। राउंड फिगर पहले जोड़ते हैं हम लोग, इसके जो पहले जो जीरो वाला संख्या है यानी कि 10 है, 20 होता तो 22 होता तो पहले 20 जोड़ लेते हैं, इस तरह से करेंगे आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 26 और हारसी लग जाएगा 4, तो हो जाएगा 30, अब क्या हो गया 3, 2 2 4 4 3 7, ये आपका राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 में जोड़ देते हैं हम लोग, इतना 45 से गुना कर देते हैं, सिंपल कंसेप्ट, 25 का 5 हाथ में 2, 5 3 15 और 5 का 20, 20 10 30 5, 35, 35 2 37 का 7 हाथ में 3, 4 3 12, 12 3 15, आसानी से हो रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो एक सवाल मैं बताता हूँ अभी, क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं, 42 में गुना कर देना है 44 से, इसको आप लोग गुना करके कमेंट बॉक्स में बताइए, तो अगर आपने सीखा है तो, जिन लोगों ने अभी सीख लिया ना वो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 4 2 8, 4 4 16, 4 2 8, 8 3 24, ठीक है, 24 का 4 हाथ में 2, 4 4 16 2 18, कितने का आंसर इतना आया भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या ले लूँ मैं, 55 ले लेते हैं, 55 लेते हैं 25 से गुना कर देते हैं, 50 25 हाथ में 2, 50 25 5 2 10, 25 10, 35 2 37 हाथ में 3, 5 2 10 3 13, मतलब कहने का मतलब है अगर आपने सीख लिया, आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, अच्छा ट्रिक सीख लिया, एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा, क्या आपने ट्रिक सीख लिया तो सब कुछ हो गया, नहीं, आपके पास ट्रिक्स है, आप सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी आपको गुना करने नहीं आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन बनाने से, दो क्वेश्चन बनाने से, तीन क्वेश्चन बनाने से कभी नहीं आएगा, आपको इन ऐसे क्वेश्चंस पे आपको सैकड़ों बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी, जब आप उतना प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये माइंड कैलकुलेट करना शुरू करेगा, आप इसको काफ़ी तेज़ी से कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 4 5 क्वेश्चन बना लिया, अच्छा मैंने तो सीख लिया अब तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी ट्रिक्स को, किसी भी जो भी मैथमेटिक्स का ट्रिक है या कहीं का भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई जो भी ट्रिक है, आप जब तक उसको बार बार नहीं करोगे, बिना अभ्यास के ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है, तो अभ्यास करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही इसमें आप शार्प होते चले जाओगे। देखेंगे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन, फिर इसको मैं इसको बंद कर दूंगा। देखिए एक कर लेते हैं, 46 में गुना कर देते हैं हम लोग 32 से, 6 2 12 का 2 हाथ में 1, 4 2 8 36 18, 18 8 26 1 27 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, देखा आसानी से हो गया। तो
आप लोग ऐसे ऐसे नंबर को अपने मन से नंबर रख के आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद अगर सीख लेते हो तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यह वीडियो मैं यही रोकता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह ट्रिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग YES लिखेंगे कि यह आपको समझ में आई है। ओके, जय हिंद।